ये बोतल 1700 साल पुरानी है, लेकिन इस बोतल में भरा क्या है और क्या आपने कभी भी इतनी रफ जीप को देखा है? क्या लगता है ये किस जानवर की जीप है? और क्या आपने कभी भी सोचा है कि बर्ड्स के कान तो होते ही नहीं है, तो फिर वो सुनते कैसे है? तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और क्यूरियोसिटी से भरे फैक्ट्स आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फैक्ट नंबर 12, टाइगर एक शिकारी जानवर है और उसके सभी बॉडी पार्ट्स शिकार करने के लिए बने हुए होते हैं, जिसमें टाइगर की टंग यानी कि जीभ भी शामिल है। क्या दोस्तों, आप पहले टाइगर की टंग को देख लो। टाइगर की टंग दुनिया की सबसे रफ टंग में से एक है और टाइगर इसका यूज अपने शिकार के मांस पर से स्किन को हटाने के लिए करता है। टाइगर की टंग इतनी रफ होती है कि किसी दीवार पर लगे हुए पेंट को भी आसानी से निकाल सकती है। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों आप ये तो जरूर जानते होंगे कि जब हमारे बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया एंटर होता है, तब हमारे बॉडी में रहने वाले WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल उनसे लड़कर बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। लेकिन क्या आपने इस प्रोसेस को अपनी आंखों से देखा है? नहीं तो फिर चलिए देखते हैं। इस वीडियो में आप देखिए, इस वीडियो में ये जो है वो बैक्टीरिया है और ये हमारे व्हाइट ब्लड सेल यानी कि WBC। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे व्हाइट ब्लड सेल बैक्टीरिया का पीछा करता है और उसको पकड़ कर खत्म कर देता है। तो ये वीडियो अपने आप में ही काफी अमेजिंग है। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों हमारे आसपास उड़ने वाले बर्ड्स की सुनने की क्षमता हमसे भी ज्यादा होती है, लेकिन क्या आपने कभी भी ये नोटिस किया है कि बर्ड्स को तो कान होते ही नहीं है, तो फिर वो सुनते कैसे होंगे? 80% लोगों को तो पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता है वो जान लो कि बर्ड्स को हमारी तरह बाहरी कान नहीं होते हैं, बल्कि ईयर होल होते हैं और ये उन्हीं होल के जरिए किसी भी आवाज को सुनते हैं। फैक्ट नंबर 9, आज के टाइम में हम पानी या चाय कॉफी पीने के लिए कप का यूज करते हैं, लेकिन प्राचीन समय में इंसान की खोपड़ी का यूज एज अ कप करता था। आज भी इंडिया के अगोरे बाबा इंसानी खोपड़ी का यूज करते हैं, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता है कि आखिरकार इंसानी खोपड़ी का यूज एज अ कप करने का ट्रेंड कहां से आया। फैक्ट नंबर 8, अगर हम किसी एक ही जगह से एक ही टाइम पर एक ही एंगल से 28 दिन तक चांद का फोटोग्राफ लेंगे और उन सभी फोटोग्राफ को मर्ज कर देंगे, तो वो जो फोटोग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। ये फोटो मून की 28 दिन की साइकिल को एक ही साथ दिखाता है। दैट्स रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 7, ये घर जो आप देख रहे हैं ये दुनिया का सबसे लोनलीएस्ट हाउस यानी कि दुनिया का सबसे अकेला घर है, क्योंकि ये घर आइसलैंड के वेस्टमिंस्टर द्वीप समूह में स्थित एलियाए टापू पर है और इस बड़े से टापू पर इस घर के अलावा और कोई भी घर नहीं है, इसीलिए ये वर्ल्ड्स लोनलीएस्ट हाउस है। फैक्ट नंबर 6, ये टेबल जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही कमाल की टेबल है। इस टेबल के तीनों बेंचेस तीन अलग अलग देश में है। जी हाँ दोस्तों, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया और हंगेरी तीनों देश की बॉर्डर जिस जगह पर मिलती है उसी जगह पर इस टेबल को बनाया गया है। मतलब इस टेबल पर बैठकर तीन अलग अलग देश के बंदे दूसरे देश में गए बिना ही एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। बहुत बढ़िया। फैक्ट नंबर 5, ये किस्सा बहुत ही वियर्ड है। 1975 में बरमूडा के हैमिल्टन में एक 17 साल के लड़के की बाइक चलाते हुए एक्सीडेंट होने से मौत हो जाती है। इस एक्सीडेंट के ठीक एक साल पहले इसी लड़के के भाई की मौत उसी बाइक को चलाते हुए होती है, जिसकी उम्र भी 17 साल ही होती है। कितना अजीब कोइंसिडेंस है ना? लेकिन कोइंसिडेंस का ये सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होता है। दोनों भाइयों की मौत 17 साल की उम्र में सेम बाइक पर होने के साथ साथ सेम टैक्सी से और सेम ड्राइवर से होती है, और तो और दोनों बार टैक्सी में पैसेंजर भी सेम होता है। इन दोनों भाइयों का नाम एरस्किन और नेविल था। क्या इतना वियर्ड कोइंसिडेंस किसी के साथ हो सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 4, ये बोतल जो आप देख रहे हैं ये दुनिया की आज तक की सबसे पुरानी अनओपन वाइन बोतल है यानी कि दारू की बोतल है। ये बोतल तकरीबन 1700 साल पुरानी है। इस बोतल का नाम स्प्रेयर वाइन बोतल है और ये जर्मनी के एक हिस्टोरिकल म्यूजियम में सुरक्षित रखी गई है। फैक्ट नंबर 3,
ये चीज जो आप देख रहे हैं ये एक सैटेलाइट है जिसका नाम कलाम सेट है और ये सिर्फ 64 ग्राम का है जो कि दुनिया का आज तक का सबसे छोटा सैटेलाइट है। और प्राउड की बात यह है कि इसे इंडिया के तमिलनाडु में रहने वाले रिफात शाहरुख नाम के 18 साल के बच्चे ने बनाया है। इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आपको पता है कि आपके सपने में आने वाला हर चेहरा आपने रियल लाइफ में कहीं ना कहीं जरूर देखा हुआ होता है, क्योंकि आपका दिमाग साइंटिफिकली अपने आप कोई भी चेहरा क्रिएट नहीं कर सकता है। तो आपके सपने में आने वाला हर इंसान आपने रियल लाइफ में जरूर देखा हुआ होता है। फैक्ट नंबर 1, ये है स्प्राउट पेंसिल। इस पेंसिल की खास बात यह है कि जब आप इस पेंसिल को यूज कर लेंगे, फिर आप इस पेंसिल को प्लांट करके इससे पेड़ उगा सकते हैं। इस पेंसिल के आखिर में बीज लगे हुए होते हैं जिससे इसे प्लांट करने पर पौधे या फिर पेड़ उगते हैं। बहुत ही यूनिक आइडिया है। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करना, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।